हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फन विद विज्ञान चैनल में। मेरा नाम है शाहरुख और आज हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हवा से काफ़ी हल्की होती है, जिस वजह से अगर हम उसको हवा में छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर जाने लगती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन की डेंसिटी होती है वो हवा की डेंसिटी से काफ़ी कम होती है, जिसके वजह से अगर हम उसको हवा में छोड़ भी देते हैं तो वो ऊपर की ओर जाने लगती है। आज हम हाइड्रोजन गैस को ही बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और हमें चाहिए होगा यहाँ पे एल्युमिनियम की फॉइल। तो हमारे पास दोनों यहाँ पे है, तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, इसको हम इस पानी में डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो चलिए मिलाना स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से पहले मिलाते हैं। मेरे हिसाब से ये अब मिल चुका होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस सॉल्यूशन को इस फ्लास्क में डालते हैं। फ्लास्क में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम के टुकड़े कर लेंगे और फिर हम इसको इस फ्लास्क में डालेंगे। तो चलिए डालना स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन होना स्टार्ट भी हो गया। यहाँ पे जो एयर ये निकल रही है यही हमारा हाइड्रोजन गैस है, बुलबुले के रूप में यहाँ पे निकल रही है। ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। यहाँ पे हम इसको नॉर्मल हाथों से छू भी नहीं सकते हैं, ये फ्लास्क काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। यही दोस्तों हमारा हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर जो निकल रहा है। जब हम एल्युमिनियम के टुकड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एल्युमिनेट और हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको किनारे यहाँ पे साइड में करते हैं। दोस्तों अब हम इस फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले से ही मिला लिया है, अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। पहले मेरे हिसाब से ये अच्छे से मिल चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के टुकड़े को इसमें बारी बारी से डालते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लेते हैं। जब तक ये बलून फूल रहा है तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपके सामने इसको उड़ा के भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये बलून ऊपर की ओर जा रही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हवा से काफी हल्की होती है, इस वजह से ये ऊपर की ओर जा रही है। दोस्तों आपने सुना होगा हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ फूटती है और ये काफ़ी ज्वलनशील होती है। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से जलती है। मैंने यहाँ पे दो बलून और भर लिया है, इसको भी हम साथ में जलाएंगे। मैंने दो बलून यहाँ पे पहले से ही भर लिया था, अब मेरे पास यहाँ पे तीन बलून है। इन तीनों बलून में हाइड्रोजन गैस है। चलिए हम इसको फोड़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का आवाज़ करता है और ये ज्वलनशील है या नहीं। तो चलिए ट्राई करके दिखाते हैं आपको। तो आपने देखा ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है और ये पॉप साउंड के साथ फूटता है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।